Hey guys, welcome back to Mirani Franchise. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ हॉलीवुड मूवीज की जो हाल ही में हिंदी में डब्ड हुई हैं, जिनका वेट हम काफी अरसे से कर रहे थे और फाइनली ये मूवीज हिंदी लैंग्वेज में आ गई हैं। इस लिस्ट की सभी मूवीज एक से बढ़कर एक हैं और आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगी, इसीलिए अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली मूवी है टॉप गन मैवरिक, जो आई थी 2022 में। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी है। ये मूवी कमाल की मूवी है क्योंकि इस मूवी ने एमसीयू की मूवी को भी पीछे छोड़ दिया। मैं बात कर रहा हूँ थोर लव एंड थंडर की और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की। इन दोनों को ही इस मूवी ने पीछे छोड़ दिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में और रेटिंग्स के मामले में, क्योंकि ये मूवी है ही बहुत ज्यादा कमाल की। इसकी पहली मूवी आई थी 1986 में। ये उसका सेकेंड पार्ट है जो की काफी लंबे अरसे बाद आया है। इस मूवी के अंदर मेन लीड में टॉम क्रूज हमें देखने को मिलेंगे, जिसको एक बहुत ही खतरनाक मिशन मिला है क्योंकि उसका हमसाया कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहा है जिन्हें इन लोगों को रोकना है, वो भी छुप के। ये लोग डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, इन्हें छुप कर उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय करना है। ऐसे में ये लोग किस तरह इस इम्पॉसिबल मिशन को करते हैं, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। आप इस मूवी को हिंदी में प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मूवी है द नॉर्थमैन, जो आई है 2022 में। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारी मूवी के हीरो की, जिसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, जो है अपने अंकल को मारना, क्योंकि उसने उसके फादर को मार दिया है और उसकी राजगद्दी भी हत्या ली और साथ ही साथ उसकी मदर को भी बंदी बना रखा है और ये अपनी सल्तनत से भी बहुत ज्यादा दूर है। दूर दूर तक कोई भी नहीं है जो इसकी मदद कर सके। ऐसे में ये किस तरह अपने मकसद को पूरा करता है, यानी अपने अंकल को मारता है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। आप इस मूवी को हिंदी में प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मूवी है मीनियंस द राइज ऑफ गुरु, जो आई है 2022 में। ये एक एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। आपने मीनियंस की बहुत सी मूवीज देखी होंगी और आप उन मूवीज के अंदर गुरु के कैरेक्टर को भी देखा होगा, तो हमें इस मूवी के अंदर उसी की कहानी देखने को मिलेगी कि आखिर वो इतना बड़ा विलन बना कैसे। वो सारी चीजें इस मूवी में आपको बड़े ही फनी वे में देखने को मिलेगी। ये मूवी मीनियंस की बाकी मूवीज की तरह बहुत ही ज्यादा कमाल की है, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। आप इस मूवी को हिंदी में प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मूवी है द लॉस्ट सिटी, जो 2022 में आई है। ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक ऑथर की, जो कि एक नावल लिखती है जिसका नाम होता है द लॉस्ट सिटी, जिसके अंदर वो एक पुराने लॉस्ट सिटी के बारे में बताती है। उसके इस नावल को एक अमीर आदमी पढ़ लेता है और वो उस लॉस्ट सिटी को ढूंढना भी चाहता है, क्योंकि उसे तलाश होती है एक बेशकीमती क्राउन की, यानी ताज की, जो डायमंड्स का बना होता है। इसीलिए वो इस ऑथर को किडनैप कर लेता है ताकि वो उसके लिए उस लॉस्ट सिटी को ढूंढ निकाले। आगे क्या होता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। आप इस मूवी को हिंदी में प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मूवी है डे शिफ्ट, जो 2022 में आई है। ये एक आर रेटेड एक्शन कॉमेडी फंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि पूल क्लीनिंग की जॉब करता है, यानी कि स्विमिंग पूल की सफाई सुथराई करता है ताकि ये अपनी बेटी के फ्यूचर को सिक्योर कर सके। उसकी 10 साल की बेटी है जिसको ये दुनिया की हर खुशी देना चाहता है, लेकिन पूल क्लीनिंग की जॉब तो बस एक दिखावा है। अंदर से तो ये वैम्पायर्स को मारता है और इसी मार काट के चक्कर में ये बहुत ही खतरनाक वैम्पायर, जो कि सभी वैम्पायर्स की लीडर है, उसी की बहुत ही करीबी को जान से मार देता है, जिसकी वजह से वैम्पायर्स की पूरी आर्मी उसके पीछे पड़ गई होती है। आगे क्या होता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।